चलिए 5 बजे से लगातार आपको एग्जिट पोल तो दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बताएंगे अलीम न्यूज रूम से। बिल्कुल सुकन्या, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सुबह 9 बजे तक जो औसत मतदान निकल कर आ रहा है वो 12.0%। इसके अलावा सारठ में 11.59%, बोरियों में 10.62%, बरहेट में 10.83%, पाकुड़ में 14.3%, महेशपुर में 15.77%, नाला में 12.3%। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे अधिक मतदान जो हुआ है वो महेशपुर में 15.77% अब तक मतदान हुआ है 9 बजे तक, और सबसे कम मतदान जो हुआ है 9.8% जामा में हुआ है। यानी कि औसत मतदान सुबह 9 बजे तक का 12.01% हुआ है, जबकि सारठ में 11.59%, राजमहल में 11.07%, दुमका में 9.7% मतदान हुआ है, जबकि बोरियो में 10.62%, बरहेट में 10.83%, लिट्टीपाड़ा में 13.10%। सुकन्या बिल्कुल अलीम, और दर्शकों को अब सीधा लेकर चलते हैं दुमका, जहां लुईस मरांडी मतदान के लिए पहुंची हैं और हमारे संवाददाता भुवन वहां पर मौजूद हैं। भुवन, क्या कुछ तस्वीरें हैं बताइए। देखिए, यहां पे लुईस मरांडी पहुंची हैं और वोट कास्ट करने के लिए यहां पर गई हैं मतदान केंद्र के अंदर में, और जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से, ये जो इनका जो गाँव है यहाँ पे चल रहा है, और जो ये बरतली जो कि दुमका का ये ग्रामीण क्षेत्र का मतदान केंद्र है, और यहाँ पे लुईस मरांडी यहाँ पर पहुंची हैं, और काफी संख्या में इतनी जागरूकता यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो लंबी लंबी जो कतारें हैं इस मतदान केंद्र पे, महिलाओं की खास करके यदि बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या है महिला वोटर्स की, और लोग यहाँ पर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर रहे हैं। इन सबके बीच मंत्री लुईस मरांडी यहाँ पर पहुंची हैं इस निर्वाचन क्षेत्र से, कह सकते हैं कि जो दुमका विधानसभा का जो ये क्षेत्र है इससे वो इस बार चुनाव भी फिर से लड़ रही हैं, तो सभी की नजरें लुईस मरांडी पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं चुनाव मैदान में, और कुल मिलाकर के इस विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे तो 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो लुईस मरांडी एक ऐसी यहां से लीडर रही हैं जिनके चुनाव क्षेत्र पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और सरकार में काफी प्रभावी मंत्री के रूप में ये मानी जाती रही हैं, और इस क्षेत्र का जो दुमका का यदि बात करें तो दुमका में इनका अलग अपना प्रभाव रहा है, आज वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। भुवन, लेकिन इन सब के बीच 9 बजे तक का दुमका का जो मत प्रतिशत है वो कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि 9 बजे तक सिर्फ 9.7% लोगों ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आगे, जब दिन चढ़ेगा धूप निकलेगी तो क्या मत प्रतिशत में इजाफा होगा? देखिए, जो मतदान प्रतिशत है वो करीब 10% के करीब में है, और जैसा कि यहाँ पर देख रहे थे कि रात में काफ़ी ठंड थी, सुबह में भी जो जब मतदान केंद्र पे लोग आ रहे थे तो इक्के दुके मतदान केंद्र पे पहुँच रहे थे, लेकिन जो शहरी क्षेत्र का जो इलाका है वो शहरी क्षेत्र के यदि तुलना ग्रामीण क्षेत्र से करें तो ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी मतदान करने के लिए लोग पहुँचे, और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, और ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत जागरूकता का ही ये परिचय देता है यहाँ का मतदाता। लेकिन जो सुबह का जो वक्त होता है, जो 2 घंटे का जो 7 से 9 बजे की यदि बात करें, तो ठंड के कारण से लोग घरों से नहीं निकल पाए, जिसके कारण से मतदान का प्रतिशत भले ही कुछ कम रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा और धूप खिलेगी यहाँ, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि बरतली की बात कहें, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, जहाँ मंत्री लुईस मरांडी यहाँ पर पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए, तो वो जो मतदान केंद्र है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे सामने में जो पुरुष मतदाता जो हैं उनकी अच्छी खासी भीड़ है, कम से कम 100 मतदाता ऐसे हैं जो पुरुष मतदाता लाइन में खड़े हैं। उसके अलावा जो दूसरे रो में हम देख रहे हैं तो महिला मतदाता
मतदाताओं की संख्या भी कम से कम 150 मतदाता हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि करीब यहाँ पे जो महिला मतदाताओं की संख्या जो ये इस बूथ पे है 555 है, जो कि पुरुष के तुलना में ज्यादा यहाँ पर मतदान के मतदाता हैं। पुरुषों की संख्या जो है सो 512 है और कुल 1067 मतदाता इस मतदान केंद्र पे हैं बरतली में। और लुईस मरांडी यहाँ पर मतदान करके वो निकल रही है। आप इसके बाद हम उनसे बात भी करेंगे कि लुईस मरांडी ने किस तरह से वोट कास्ट किया है। देखिए वो सिम्बल दिखा करके जो उन्होंने वोट कास्ट किया है ये भी दिखा रही हैं कि वो मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। और ये सिम्बल दिखा रही हैं कि आप भी मतदान करें, जो भी अभी मतदाता नहीं निकले हैं वो घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये अब वो हम लोगों से बात भी करेंगी। और जो मतदाता यहाँ से नहीं अभी तक वोट कास्ट किए हैं उनको जरूर ये अपील भी करेंगे कि घरों से निकलें और मतदान करें। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि 100 मीटर के दायरे के बाद ही यहाँ पर मतदान के बाहर ही वो बात करेंगे मतदान केंद्रों पे। और ये एक निर्धारित की गई है चुनाव आयोग के द्वारा और इसके बाद ही वो इसके बाद बात कर सकती हैं। तो एक चुनाव आयोग का एक डायरेक्शन भी है और इसके बाद ही वो ये चीजें वो बता पाएंगी। इस तरह से आप देखेंगे कि मतदान के प्रति उनका जो अपील है वो मतदाताओं से कर रही है कि वो घरों से निकलें और उसके बाद अपने मताधिकार का वो जरूर प्रयोग करें। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल भुवन, तस्वीरें हम इन सब के बीच देख रहे हैं कि कतारें लंबी लगी हुई है और जब आप लुईस मरांडी की तरफ दिखाते हैं तो वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रही है लुईस मरांडी, आइए सुनते हैं। तो चलिए हमारे संवाददाता उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हैं दुमका से जहां पर लुईस मरांडी मतदान के लिए पहुंची हैं। और इन सब के बीच मतदान केंद्र पर हमने लंबी कतार देखी और जो मतदाता यहां पर पहुंचे हैं उनके लिए भी मौका ऐतिहासिक है क्योंकि वो भी यहां पर मतदान कर रहे हैं। साथ ही जानी मानी नेता, जानी मानी मंत्री लुईस मरांडी भी यहां पर मतदान के लिए पहुंची है और इन सब के बीच हमारे संवाददाता भुवन भी वहां पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 बजे तक अगर हम मत प्रतिशत देखें तो दुमका का मत प्रतिशत 9.7 है। देखना होगा कि जब 10 बजेगा उसके बाद मतदान प्रतिशत में कितना इजाफा होगा। तो चलिए एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको रांची स्टूडियो और बात करते हैं हमारे मेहमानों से। आज सबसे बातचीत हो गई थी लेकिन आशुतोष रंजन आरजेडी के नेता से हमारी पिछली बार बातचीत नहीं हुई थी तो पहले शुरुआत उनसे ही करते हैं। आशुतोष जी, देखा जाए तो जो मत प्रतिशत है वो 9 बजे तक का आ गया है, 12% के आसपास है और अब 10 बजने वाला है और ऐसे में इसीलिए सीधा सीधा कि अच्छे सरकार के लिए सभी लोग मतदान करें ताकि राज्य का जो विकास की गति है वो और आगे बढ़ सके। लुईस जी, अच्छी सरकार मतलब क्या? अभी इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं, भगवाधारी बलात्कारी बहुत सारी बातें हो रही हैं, कौन सी सरकार, किसकी सरकार? देखिए 2014 से अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य सरकार बना, इन 5 सालों में जनता ने सरकार ने काम किया है जनता के हित में और जनता जान रही है कि हमारे लिए कौन कौन सी काम हुई है। आप सीधे सीधे यहाँ जो लंबा लाइन देख रहे हैं वो मेरा लाइन नहीं है, वो विकास का लाइन है क्योंकि उन लोगों को सरकार के माध्यम से लाभ मिला है और इससे पहले इस तरह का विकास का काम या लाभ जनता ने नहीं देखा था। इसी को अच्छे सरकार बोलते हैं कि हमारा घर में छत हो गया, हमें गैस मिला, हमें आवास मिला, हमें आयुष्मान भारत मिला, जरूरत पड़ने पर 108 की गाड़ी आ जाती है। इसको बोलते हैं अच्छी सरकार, जो सरकार ने एक एक जनता का सुख दुख का चिंता किया है। हेमंत सोरेन आपको जबरदस्त मुकाबला दे रहे हैं गांव से लेकर शहर तक।
देखिए हम तो यही बात बोल रहे हैं ना कि चुनाव तो चुनाव होता है, जंग तो जंग होता है, लेकिन जिस तरह से पिछले 35-40 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने दुमका को और संथाल परगना को एक तरह से खंडहर बना दिया, बंजर बना दिया, उस बंजर भूमि को हम लोग उपजाऊ बना रहे हैं और ये हम ही लोग फसल काटेंगे। तो आप ही लोग फसल काटने की बात कर रही है मैम, लेकिन इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में दो तीन चीज हम देख रहे हैं। प्रचार की अगर बात करें, कई मुद्दे उठे, अभी हाल के दिनों में हेमंत सोरेन का एक बयान काफी चर्चाओं में रहा, भगवादारियों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, बीजेपी काफी आक्रामक रही, आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने काफी गंभीर सवाल बीजेपी पर सवाल खड़े किए कि जैसे ही आप भ्रष्टाचार की बात करें, रोटी कपड़ा मकान की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो बीजेपी इसका सीधा जवाब होता है कांग्रेस से पूछिए। तो काफी तीखे हमले न सिर्फ आपके तरफ से हुए हैं, उनके तरफ से भी है, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी गंभीर सवाल कांग्रेस और जेएमएम पर उठाए थे। देखिए दो विषय आपने दो विषय सवाल किया हमसे, एक तो है कि हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते हैं जो हेमंत सोरेन का बयान है, और हम इतना ही कह सकते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी या एक अच्छा इंसान या एक विवेकशील इंसान ऐसा बोल नहीं सकता है, ऐसा सोच नहीं सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका क्या सोच है, आम पब्लिक के प्रति वो क्या सोचते हैं। वो सर्वोपरि अपने आप को ही मानते हैं, जनता को कुछ नहीं मानते हैं, और एक पूरे समाज को उन्होंने गाली दिया है जो कभी माफी योग्य नहीं है। लेकिन इस बीच आपके बीजेपी पर भी काफी तीखे हमले हुए हैं कांग्रेस के तरफ से, जेएमएम के तरफ से, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप लोग जो है आदिवासियों की जमीन, उनकी अस्मिता को छीनने की कोशिश कर रही हैं। देखिए आदिवासी बोलेंगे ना, कौन आदिवासी का जमीन छीना गया कि वो तो देखिए बोलने और प्रमाण करने में दोनों हम उस पर भरोसा करते हैं। अगर आप बोलते हो तो आपको आपके पास प्रमाण होना चाहिए। सरकार ने आज तक एक इंच जमीन किसी का नहीं छीना है, अगर किसी का छीना है तो वो हेमंत सोरेन ने आदिवासियों का जमीन छीना है, जो आपको पता है कि जगह जगह पर कितना उनका आदिवासी जमीन पर उन्होंने आलिशान मकान या क्या 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 खड़ा कर दिया है। सरकार जो भी किया है सिर्फ विकास के लिए किया है, कहीं रोड बना है तो कहीं मेडिकल कॉलेज बना है तो कहीं स्कूल बना है, कहीं जो भी है सरकारी संस्थान के लिए, उसको छीनना नहीं बोलेंगे। चार गुना राशि देके वो उनको अपने पैर पर खड़े होने का भी एक गुण सिखा रहे हैं कि समय बदल गया है, कि व्यापार के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ सकते हो और उसके लिए पैसा की आवश्यकता है। अगर आप रोड के लिए जमीन दे रहे हो तो सरकार आपको चार गुना पैसा देती है। किया है मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया में शिकायत किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि नहीं कि राजनीति में कम से कम लाज लज्जा का जो है वो लोक लज्जा अगर आप नहीं रखेंगे कैसे होगा? देखिए हमने इसीलिए कहा, हमने जो सुना, हमने जो देखा है कि भगवाधारी या फिर एक समाज को लेकर जो टिप्पणी हुआ है, बलात्कारी शब्द का जो टिप्पणी हुआ है, ये इसके विषय में हम नहीं कुछ माने ज्यादा अपने मुंह से नहीं बोल सकते। हम खुद अपने आप में शर्मिंदगी है कि एक मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी इस तरह से कैसे बोल सकता है जो क्षमा योग्य नहीं है। मैम एक लास्ट सवाल मेरा ये था आपसे, तो ये है लुईस मरांडी और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरह से इस बार चुनाव कैंपेन के दौरान में जो टिप्पणी हुई और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो इससे कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम जो है, खास करके जो राजनीतिक परिदृश्य जो है, उसमें शर्मसार करने वाली बात हुई है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे क्योंकि दुमका का मुकाबला दिलचस्प है। लुईस मरांडी ने अभी मतदान कर लिया है, कॉन्फिडेंट दिख रही है। और इन सब के बीच दर्शकों को हम बता दें कि पूर्व स्पीकर जो है शशांक शेखर भोक्ता ने सारठ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 139 में मतदान किया है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने सारठ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 139 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। झारखंड विधानसभा में सरकार बनाने के लिए मतदान किया और राज्य के या देश के सबसे बड़े महापर्व में भाग लिया।
चलिए लेकर चलते हैं आपको रांची स्टूडियो और बातचीत करते हैं अपने मेहमानों से। पहला सवाल आशुतोष रंजन जी, आरजेडी नेता से। आशुतोष जी, दुमका में मुकाबला दिलचस्प है, लुइस मरांडी कॉन्फिडेंट दिख रही है, क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, एक बार जान लीजिए कि दुमका में जो स्थिति लुइस मरांडी जी बता रही हैं, उनके चेहरे से साफ दिख रहा है कि वहाँ हालत ठीक नहीं है। एक संथाल परगना के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, पूरे झारखंड में यदि किसी जिला के सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है तो वो साहेबगंज जिला है। साहेबगंज जिला में इन्होंने बंदरगाह, बीजेपी ने बंदरगाह का उद्घाटन किया, और बंदरगाह में आप ये जान जाइए कि अभी ठंड की सीजन है, दिसंबर है, जनवरी, मार्च आते आते गंगा में पानी का लेवल बहुत कम जाता है, जो वहाँ के नाव और लोकल जहाज को चलने में भी दिक्कत होती है। ऐसे परिस्थिति में बंदरगाह की स्थिति की क्या होगी? अरे पता कर लीजिए, ये सारे साहेबगंज का सारे तब उसी पहलू पर विचार कर लिया गया है। गंगा पुल का निर्माण होता, आपको पता नहीं, आप निगरानी कर रहे हैं, लेकर के सारे तक विकास होता। यदि वहाँ किसी जारे बारी बारी से बातचीत करेंगे, इससे हम लोगों के लिए भी सुनने समझने में आसानी होगी, जो हमारे दर्शक हैं वो तसल्ली से सुन पाएंगे। आप निगरानी कर रहे हैं, नहीं आप बात आप सुनिए, आप उसके बाद आपसे जब बात पूजन आशुतोष रंजन जी, जनता ने मन बना लिया है, अपना मतदान कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, पहले बात अन्य पार्टी के साथ चलिए आप जुड़ते रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच दर्शकों को हम एक बार फिर से याद दिला दें कि घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं, जो तमाम नेता हैं, वो दावे कर रहे हैं कि आप अगर हमारे लिए मतदान कीजिएगा तो आपका विकास हम ही करेंगे। जहां बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, वहीं जो अन्य विरोधी खेमा है वो ये कह रहा है कि बदलाव के लिए मतदान कीजिए। तो चलिए, जनता ने भी मन बना लिया होगा, मताधिकार का प्रयोग लगातार आम लोग कर रहे हैं, और इन सब के बीच अब बातचीत कर लेते हैं आलोक दुबे जी से। आलोक दुबे जी, क्या कुछ लग रहा है? 9 बजे तक का मत प्रतिशत भी हमने दिखाया, और ऐसे में क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि जो पांचवा और अंतिम चरण है वो बाकी चरणों से किस तरीके से अलग होगा? देखिए, जो मतदान के रुझान है और जो आप दिखा रही हैं लंबी लाइनों में लोग उत्साहित होकर के खड़े हैं, ये एक अच्छे संकेत है। ठंड का महीना है, सुबह बहुत ठंड होने के बावजूद भी 12% का मतदान एक संतोषजनक मतदान है। और जब हम सब ये प्रयास करते हैं, हर राजनीतिक दल पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, सभाएं, जनता के बीच हम अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के जाते हैं। और जो आपने ये एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि चार चरणों से ये कैसे, क्या इसमें अलग हैं, तो बहुत सही कहा आपने, उन चार चरणों के ये अलग हैं। और ये लोगों के चेहरे, लोगों का उत्साह, लोगों की राजनीतिक मुद्दे, ये राजनीतिक दलों के लिए भी एक संकेत है कि आप लोगों को बार बार बरगला नहीं सकते हैं सिर्फ ये कह के कि 70 साल में कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, ये कह के लोगों को अब आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। अभी मैं सुन रहा था, आपने किया वही बता दीजिए। अरे पुष्प पूजन जी, आप सुनना नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को सुनने की आदत? नहीं, मैं आपसे बिना बिल्कुल, चलिए चलिए, बीजेपी कांग्रेस का तो नहीं सुनना चाहती, लेकिन आंसू का जरूर सुनना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले अमित शाह ने भी कहा था कि मतदान होने के जो नतीजे आएंगे तो आंसू हमारे साथ आ जाएगी। बताइए, आप जनता सुन रही है ना? जनता सुन रही है, इसको कोई बात नहीं समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे तमाम मेहमान एक साथ अपनी बातचीत रख रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए, एक और तो हमारे मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं, और साथ ही दूसरी ओर देखिए कि जनता है जिसने अपना मन बना लिया है और लोग पहले मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और जलपान बाद में कर रहे हैं। इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, जहां पर एक वृद्ध वोटर जो है यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं, और ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीर लोकतंत्र को मजबूत करती है, आम लोगों को उत्साहित करती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भारतीय नागरिक ऐसी परिस्थिति में भी निर्बल होकर, दुर्बल होकर भी मतदान कर सकता है तो आप भी मतदान करिए, घरों से निकलिए, मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि ये जो तमाम वोटर्स हैं वो बुजुर्ग मतदाता हैं, और बेशक उनमें शारीरिक क्षमता जो है वो युवा मतदाताओं से कम है, लेकिन उत्साह उनका कहीं भी युवाओं से कम नहीं दिख रहा। और इन सब के बीच जो
मतदान कर्मी हैं, जो बूथ पर मौजूद लोग हैं, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग मतदाता हैं, ये तसल्ली के साथ बिना किसी कठिनाई के आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले। भुवन हमारे संवाददाता दुमका से हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन, सबकी नजरें दुमका पर टिकी है क्योंकि दुमका वीवीआईपी सीट है और यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना है कि मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक हो, मतदान शांतिपूर्ण हो। क्या कुछ स्थिति है बताइए भुवन। देखिये, जो मतदान केंद्र है, खास करके दुमका का जो ग्रामीण इलाका है, बार बार जो हम ये दोहरा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। आप देखिए जो किस तरह से लोगों की भीड़ है, जो कतारें हैं, वो बताती है कि यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, किस तरह से वो वोटिंग के प्रति कितने उत्तरदायित्व तो वो रखते हैं और जागरूक हैं, ये चीजें बता रही है यहाँ के जो मतदाता हैं। खास करके जो पुरुष और महिला मतदाता यहाँ पर जो पहुंचे हैं, वो तमाम ऐसे मतदाता हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं। ये जो बर्तली जो मतदान केंद्र जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि पुरुष जो मतदाता हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा महिला मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी यहाँ पर है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए जो इतनी लंबी कतारें क्या बताती हैं, कितना आप लोग जागरूक हैं मतदान के प्रति? जागरूक है, सभी लोग घर से निकले हैं, घर से अच्छा सुबह 9 बजे लाइन में लगे हैं। अच्छा सर, उसके बाद से खड़े हैं, खड़े हैं। आप बताइए जो कितनी जागरूकता है, कम से कम ये जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, सभी के सभी लोग निकले हैं वोटर? हाँ, सभी लोग, हम लोग सब 9 बजे 8 बजे से निकले हुए हैं, खड़े हैं लाइन में। अच्छा, हम लोग सब मैंने तो चलिए सुबह से लोग भुवन निकले हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। और दुमका के बाद सीधे अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं गोड्डा, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, आप कौन से बूथ संख्या पर खड़े हैं और वहां पर मतदान की क्या कुछ स्थिति है, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है बताइए। जी, इस वक्त हम सुकन्या बता दें कि गोड्डा के विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी के माध्यम से यहाँ पर कितनी लंबी कतारें जो हैं वो सुबह में से ही देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं फिलहाल इस वक्त अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बता दें कि यहाँ कड़ाके की ठंड है, बावजूद लोगों में उत्साह में ज़रा भी कमी नहीं है और बड़ी संख्या में जी सुबह से ही लाइन में कतार में आप खड़े हैं। जी जी, क्या कहिएगा, मतदान को लेकर काफी उत्साह है, साफ तौर से नजर आ रहा है आप लोगों बहुत उत्साह उमंग है। हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग मतदान कर रहे हैं जी। कोई इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी काफी सहयोग दिया जा रहा है, यहाँ पर सुरक्षा के विविध तमाम उपाय किए गए हैं, पूरी तरह से चाक चौबंद है। और अभी हम देख रहे थे कि यहाँ से लोग जो सुरक्षा कर्मी वो भी बता रहे थे कि किस तरह से मतदान करना है, कितना अच्छा लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल यहाँ सब शांतिपूर्ण से हो रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। मतदान देख के हमको बहुत अच्छा लगेगा, पहली बार दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटिंग है आपकी? जी हाँ। कितना उत्साह कैसा रहा आपको, मतलब लगा कि मतदान करना है, काफी उत्साह रहता है, एनर्जी रहती है, मतलब लोग किस तरह से? बिल्कुल प्रकाश, यहाँ पर मतदाता उत्साहित है और हमारी टीम भी पूरी तरीके से उत्साहित है और जो भी खबर आएगी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखाएगा, क्योंकि पांचवे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए। बने रहिए, जल्द लौटेंगे। कौन कहां जीतेगा,